क्यों रहे हो? मम्मी का नाम लेती है क्यों? मम्मी का नाम ले देती है बार बार। तुझसे कहा मैंने मम्मी का नाम ले? तो मुझे तो बोल लागे ऐसे ही पिटेगी तू जिंदगी भर जब तक मेरे साथ है। जब जब मम्मी मम्मी क्या है? नहीं है, मैं बताती हूँ। सही रहते हैं ये लोग भैया, मैं बताती हूँ। ये भरोसा ही नहीं करती है जो कि इनको करना चाहिए। मेरे पीछे कोई भी नहीं है इन लोगों के अलावा। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सारे के सारे ठीक होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है धीरज सिंह और इनकी जो प्रॉब्लम मैंने सुनी है भाई, बहुत ज़्यादा बड़ी लगी है मुझे जिस हिसाब से बता रहे हैं। तो एक बार ना आप ना कैमरे में खुद बताओ, जिससे कि देखो मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि क्या कह रहे हो आप। ये जो कह रही है इनका समझ नहीं आ रहा, आप जो कह रहे हो आपका समझ नहीं आ रहा। एक बार आप पहले बताओ कि आपके साथ हो क्या रहा है। मेरा नाम पूजा है। हा? मैं आपको बहुत टाइम से कांटेक्ट कर रही थी, एक्चुअली आपका कांटेक्ट हो नहीं रहा था। ये मेरी सास है और इनका जो बेटा मेरे हस्बैंड है, वो मेरी जो शादी हुई है वो इनकी मर्जी से हुई है, उनकी मर्जी नहीं थी। तो अब जैसे भी शादी हो गई, अब 2 साल हमें हो गए और 2 साल से वो मेरे साथ मारा पिटी करते हैं, जो कि मम्मी को बिल्कुल पता ही नहीं है। मैं बताती हूँ, सही रहते हैं ये लोग भैया, मैं बताती हूँ। ये भरोसा ही नहीं करती है जो कि इनको करना चाहिए। मेरे पीछे कोई भी नहीं है इन लोगों के अलावा। मेरे मम्मी पापा नहीं है, मेरी फैमिली में कोई भी नहीं। अब जो है यही लोग है, ये मानती नहीं है। मेरे सामने तो बिल्कुल सही रहते हैं ना दोनों के दोनों। मैंने तो कभी देखा ही नहीं, मार धाड़ कभी कुछ देखा ही नहीं है। तो बस आपस में हंसते हैं, बोलते हैं, सब कुछ सही है। मैंने इसलिए बुलाया है आपको कि आप इनको दिखाओ, इनको रियलिटी दिखाओ कि मेरे साथ एग्जैक्ट हो क्या रहा है। बस यही है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे परेशान कर रखा है काफी। जी बहुत परेशान किया है, गालियाँ बकता है, मारता भी बहुत है मुझे इनके जाने के बाद। क्या रहना पसंद नहीं है क्या उसको आपके साथ? जी मैं उसको पसंद नहीं हूँ। अच्छा आप पसंद? जी उसको कोई और पसंद है। कोई और पसंद, देख लो आप आंटी, आपका बेटा देख लो खुद ही। वो कुछ तो मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये सब ऐसा होता है या कुछ है मेरे जाने के बाद या कुछ ही। मैं तो यकीन ही नहीं मान सकती इस बात को। मुझे तो भरोसा है ही नहीं है क्योंकि मेरा बेटा अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो कभी उसे तू तड़ाके से बात करते हुए भी देखा, तो फिर मैं कैसे मान लूँ ये बताओ। हाँ ये भी बात ठीक है। अगर मेरे सामने सब कुछ हो रहा होता तो मैं मानती कि हाँ भाई वो मारता है पीटता है, मैं उसे समझाऊँ कुछ कहूँ। लेकिन जब ऐसा कुछ है ही नहीं मेरे सामने, तो ये बता रही है ना मेरे को तो कि ऐसे ऐसे करता है, ये है वो है। अब मैं कैसे मान लूँ बताओ। हाँ ये भी बात ठीक है। मैं जब आँखों से देखूँगी जब ही मुझे यकीन होगा ना। तो देखो आंटी, मुझे भी कंफर्म भरोसा तो है नहीं कि आप सही बोल लो, आप सही बोल लो ठीक है। और मैं देखो ज़्यादा बोल भी नहीं सकता क्योंकि अभी गला ख़राब है, अभी जा रखा था मैं कहीं। अच्छा, मैं गावड़ लेने गया हुआ था तो उसके चक्कर में गला बैठ गया मेरा। तो बाकी देखो मेरे से जितना होगा मैं उतना करवा दूँगा आपका ठीक है। और बाकी आपने काम करो, फ़ोन करके बुलाओ। वैसे आपके मतलब आपके सामने मतलब आप कहाँ रहते हो? कहाँ रहती हो? पास में ही रहते हैं, पास में ही घर है हमारा। नहीं नहीं, आपके सामने मतलब आप कहीं जाते हो जॉब? हाँ, को नहीं जाते? मम्मी जॉब करती है। मतलब बाहर जाती हूँ सुबह, जैसे निकल जाती हूँ शाम को घुसती हूँ मैं तो घर में। हाँ। मेरे सामने तो नॉर्मली सब सही रहता है, वो जॉब ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, वो जॉब नहीं करती? हाँ आप जॉब करती हो? हाँ जी। आपने तो आदत पहले बिगाड़ दी ना अपने पैसों से, खिला जॉब ही नहीं मिलती भैया उसको। जॉब ही नहीं मिलती? जॉब ही नहीं मिलती है। अब मैं ये भी बोल दूंगी तो भी उनकी मम्मी मुझे बोलेंगी कि तू तो मेरे बेटे के बारे में ऐसे बोल। नहीं मैं तो देखो कुछ कह ही नहीं रही हूँ। देखो मैं उसे रोज़ बोलती हूँ जॉब ढूंढ, मैं कितना पीछे पड़ती हूँ। सामने बैठी है देखो, मैं हमेशा उसके पीछे रहती हूँ कि भाई जॉब ढूंढ, कैसे चलेगा खर्चा पानी, कैसे करेगा तू आगे। अभी तो फैमिली नहीं बढ़ी, अभी तो कुछ नहीं है आगे पीछे। जब कल को बच्चे हो जाएंगे फिर क्या करेगा? मैं तो खुद समझाती हूँ लेकिन उसके दिमाग में नहीं घुसता। पता नहीं क्या क्या समझ रखा है उसने, क्या है क्या सोच रखा है, मुझे कुछ पता ही नहीं। तो आप एक काम करो ना, आप फ़ोन करके यहाँ पर बुलाओ इस समय पर ठीक है। और आप मत बताना कि आप यहाँ पे आ रहे क्यों हैं। आप खुद देख लेना, अगर आपको देखो मुझे खुद नहीं पता वो सही है कि गलत है, वो अभी पता लग जाएगा ठीक है आपके सामने दिखा दो। तो जब तक के लिए फ़ोन कर रहे हैं दोस्त, जब तक के लिए कैमरा हाइड कर दो, दिखाई नहीं देना चाहिए ठीक है। क्या बात है, यहाँ क्यों बुलाया? तो तुम बैठो ना, मुझे बात करनी है। हाँ मैं आ गया, बता क्या बात है, क्या बात करनी है? मुझे अपनी शादी को लेके ही बात करनी है, 1.5 साल हो गए यार, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ? पूछ रोज रोज शादी की बातें क्यों करती हो तुम मुझसे यार? तो मैं किससे बताऊं, किस अपनी सारी तकलीफ मैं किसको बताने जाऊं? मुझे क्यों बताती है कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना, तो क्यों मुझसे जबरदस्ती करती है यार?
तुम ऐसी बातें क्यों करते हो कि अभी एक डेढ़ साल से हो ना मेरे साथ? हाँ हूँ। तो छोड़ दो ना मुझे। अबे तो मैं कब कहता हूँ तू मेरे साथ रहे, पर मैं मम्मी की वजह से मजबूर हूँ यार। तो मम्मी से बात कर लो, मुझे तुम बात करने नहीं। यार मम्मी का नाम क्यों लेती है? तो तुम मार क्यों रहे हो? मम्मी का नाम लेती है क्यों? मम्मी का नाम ले देती है बार बार, तुझसे कहा मैंने मम्मी का नाम ले? तो तुम मुझे मार क्यों रहे? प्लीज नहीं मारो, मत लग रही है। नहीं बिल्कुल भी नहीं, बैठ के बात लग रही है ना, लगने दे। तू इसी लायक है, तुझे मारूं तुझे पीटूं यही लायक है तू। तुझे मैं नहीं इसीलिए पसंद नहीं करता ना, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। यार मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी साला, क्या बताऊँ, खुश नहीं रह पाता मैं तेरे वजह से कभी भी। तो मैं कौन सा खुश रहती यार, तुम जब मर्जी मेरे पे हाथ उठा देते हो, जब मर्जी मुझे मार देते हो। फिर मारूंगा, बोलेगी तो फिर मारूंगा। बोल लागे, ऐसे ही पिटेगी तू जिंदगी भर जब तक मेरे साथ है। हाँ तो चली जा, सबसे बेटर रहेगा बिना बताए, वो भी मम्मी को भी नहीं, खुद समझ। मम्मी को पता चला अगर तू मेरे वजह से गई तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। तो मैं कहाँ जाऊंगी? कुछ भी कर, भाग जा बिना बताए घर से। मैं कहाँ जाऊंगी मेरे? भाग जा, मैं तुझे पैसे भी दूंगा, भाग जा तू। मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए बस कि मैं तेरे साथ रहना नहीं चाहता यार। मैं रोज रोज एडिटेट होता हूँ, मेरा माइंड ना काम नहीं करता है, मैं नशा करता हूँ इसीलिए। मेरे वजह से मैं ड्रिंक तक करने लगा। मैंने बोला था करने के लिए। पर मैं तुझे नहीं पसंद करता तो मैं क्या करूँ फिर? आपको कोई और पसंद है? हाँ तो मुझे बताओ ना, तुम बताते भी नहीं हो इसलिए। हाँ, मुझे पसंद है, मैं आज उससे खुल के कहता हूँ मुझे पसंद है, पर मैंने उससे भी बात करना छोड़ दी तेरे वजह से। जब से तू आई है वो भी मुझे छोड़ के चली गई साली। बता मैं क्या करूँ, मैं कहीं का भी नहीं रहा यार। तो तुम अपनी मम्मी को बता दो ना। मम्मी को, मम्मी का नाम मत ले यार, मम्मी का नाम मत ले, मैं फिर कह रहा हूँ। जब जब मम्मी इसको और मारो भाई, तेरा मैटर है क्या जो तू हाथ चला रहे हो? थोड़ू तेरा हाथ लग रही भाई, लग रही है थोड़ू हाथ, तोड़ू हाथ। नहीं भाई, खींचू नहीं, नहीं निकालू बाहर, नहीं बाहर निकालू, नहीं भाई। तो फिर हाथ जोड़ दे यार, लग रही है। चिलामत, शांत शांत कह रहा हूँ ना, क्या कर रहा था? तेरा तू है कौन, तू मैटर में बोल रहा है मेरे? तेरे मैटर में? हाँ तेरे मैटर में मैं नहीं बोलूंगा, तेरी माँ बोलेगी बेटे। मेरी माँ क्यों बोलेगी? माँ क्या तोड़ू, तेरी माँ बोलेगी मैटर में। मेरी माँ तोड़ू यहाँ पे, याद है कोने देख आप मानते हो ना मेरी बात? कुछ नहीं कर करके लड़की को मार रहा है। अरे कुछ नहीं कर रहा हूँ। कैसे कर रहा है? अरे क्या कर रही हूँ, क्यों ड्रामा दिखा रही हो यहाँ पे? क्या कर रहा था उसके साथ, बेचारी के साथ? कुछ नहीं कर रहा मैं। क्या हो रहा है, क्यों मार रहा है उसे बेचारी मासूम को? इसीलिए मार रहा हूँ, मैं उसे अपने साथ नहीं रखता, रखना नहीं। क्यों नहीं रखेगा? शादी मैंने नहीं रखूंगा। क्यों नहीं रखेगा? नहीं रखूंगा। क्यों रखूंगा? सर रखना पड़ेगा मम्मी, माना रखना पड़ेगा तेरे को। मम्मी क्यों मार रही, क्यों सबके सामने बेइज्जती कर रही हो? उसके साथ इसकी बेचारी को उसको मार रहा है तू, बेमतलब में ये सही कर रहा है? हाँ मैं सही कर रहा हूँ, मैं नहीं रहना चाहता इसके साथ, मैं क्यों रहूँ? पहले सोचना था ना तेरे को, तुम्हारे वजह से मैंने शादी करी इससे। अरे तुम्हारी मर्जी की वजह से, जब बोलता अब शादी हो चुकी, अब ये रहेगी ये यही रहेगी। तेरे को किसी से प्यार तो उस समय क्यों नहीं बताया जब शादी हो रही थी? भाई यार मैं उनके वजह से नहीं बता पाया यार। किसकी वजह से? रहना पड़ेगा इसके साथ, रहना पड़ेगा तुझे। मैं नहीं रहूंगा। क्यों नहीं रहेगा? नहीं रहूंगा, जो चाहे वो कर लो, मैं जान से मार दूं, मैं नहीं रहूंगा। पहले बोलना चाहिए था तेरे को, मैंने सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए शादी की है, अपनी खुशी के लिए नहीं। कर ली ना खुशी के लिए। हाँ तो अब रहना भी इसी के साथ पड़ेगा। तुम भी कुछ बोल लो अपने मुंह से, अभी तक तो शांति बैठी पड़ी हो। वो क्या बोलेगी यार, दिन भर तो मुंह दिमाग खराब करती है मेरा। क्या दिमाग खराब करे तू, मुझे शादी के चक्कर में नशा करा? कभी कहा मैंने नशा देखा? कभी मुझे नशा आपने? हालत देखी तूने अपनी? इससे पहले शादी से पहले कभी नशा करते हुए देखा? तो पहले बताना था ना मेरे को, बताया क्यों नहीं तूने मेरे को? बहन इधर आओ, इधर आओ, क्या कर रहे जिंदगी सब बताओ। मेरे को बताना चाहिए था। अब बोलना अपनी मम्मी के सामने, अब क्यों नहीं बोल रहा? उसके साथ नहीं रहा। वैसे तो मम्मी ये मुझे मारता है, तुम मेरी बात मानती नहीं हो ना। अब सो देखो, मैंने खुद देखा आज, इसको शर्म नहीं आती साले को। नहीं आ रही जरा। भैया मारो ना इसको और मारो, ये इसी लायक है। ये बता, ओ भाई तू हाथ नहीं चला यार, नशा वाली बात नहीं भाई, हाथ मत चला। समझ गया, हाथ मत चला। तेरी माँ इसलिए अपनी मार रहा, तुझसे कह रहा हूँ हाथ मत चला भाई, कि बुरा ना लगे उन्हें। सुन मेरी बात, तेरे को सारा उठा दूंगा। सही कर रहा हूँ, गलत नहीं कर रहा हूँ। भैया मुझे ये इतना टॉर्चर करता है, इतना टॉर्चर कि मेरी माँ को मत बता सारे। अब दिख गया ना तेरी माँ को सब? बकवास मत कर, चुप हो जा, चुप हो जा। अरे यार तू हट ना, तुझसे कह रहा हूँ दूर हट। ओए सुन मेरी बात, समझा लो फिर। एंटी नहीं मारूंगा फिर, मैं समझा रही, चुप हो जा।
क्यों नहीं समझे? मैं इसको साथ नहीं रहूंगा, मैं तेरे पैर पकड़ रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ तेरे आगे, मैं नहीं रहूंगा। बात सुन मेरी बात, अगर तू यही बात मेरे से शादी वाले दिन बोल देता ना, मैं नहीं करती। मैं सिर्फ तेरी खुशी के खातिर नहीं, मैंने कर ली इससे शादी यार, तो बताना तो चाहिए ना। मुझे कि मेरी जिंदगी इसके साथ रहकर बर्बाद हो जाएगी। क्या बर्बाद? अच्छी भली है, सुंदर है, सब कुछ। अरे तो अच्छी भली है, सुंदर है तो क्या चार रखूं इसके सुंदरता का? शक्ल देगी तूने? अरे अपनी शक्ल देख, अरे मेरी शक्ल कैसी भी सही, कैसा होता जा रहा है, तू अपनी शक्ल तो देख। मैंने भी तो तेरे साथ एडजस्ट किया है ना, मैंने भी तो तेरे साथ एडजस्ट किया ना। ये बता रहा हूँ क्या कहती है तू? मैंने तेरे साथ कुछ भी एडजस्ट नहीं किया। काय बात के लिए रहना, मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता, तू मुझे छोड़। तो मत रहना भैया, तलाक भी तो नहीं दे रहा ना ये मेरे को? एक मिनट रुको, तलाक मैंने बोला। मुझे भी नहीं रहना तेरे साथ, क्यों जाऊँ मैं? क्यों अपनी बेइज्जती कराऊँ मैं? क्यों कराऊँ अपनी बेइज्जती? मुझे कहता घर छोड़ के भाग जा, क्यों जाऊँ मैं घर छोड़ के? क्यों भागेगी वो? मुझे इसके साथ नहीं रहना। कौन है आगे पीछे बिचारी का? देखियो कौन है उसके आगे पीछे, तेरे पीछे तो मैं बैठी हूँ। मैं घर छोड़ के चला जाता हूँ, तुम रख लो ना उसे फिर अपने पास। मैंने क्या क्या सोचा था कि मेरा बेटा खुश रहेगा, बच्चे होंगे आगे, वंश बढ़ेगा, लेकिन ये तो नहीं होगा। ओ माय गॉड, परेशान करके इस लड़के ने मुझे। तेरी मार। अबे यार तू हाथ पैर मत चला यार, मेरी बुद्धि खराब हो रही है भाई। बुद्धि खराब छोड़ो, टाउन हट दूर, उठा के फेंक दो यहाँ से। समझ गया, बहुत देर हो गई भाई, ये सुधरेगा नहीं भैया, ये कभी नहीं सुधरेगा। अरे मार हो रही है, समझ नहीं आ रहा तेरे। मम्मी चुप हो जा यार, क्या करूँ फिर? उसकी लड़की की जिंदगी खराब कर रहा है तू। मैं क्या करूँ यार, बताओ क्यों कर रहा है ये तो बता। मैं बस साथ में नहीं रहना। कौन सा नशा करता है तू भाई? मैं भाई सूखा नशा फूकता है, ये सूखा नशा फूकता है मेरे सामने कभी नहीं करता। मैं तो आप पता लगा कि नशे भी करता है, ये सब कुछ करता है। मैं इसकी जब से मेरी शादी हुई तब से करने लगा हूँ, वैसे नहीं करता ना। तुम भी तो जानती हो ना मेरे बारे में। मुझे क्या पता क्या करना है इसके साथ? मुझे इसके साथ नहीं रहना भाई, मुझे नहीं रहना ना? नहीं रहना मुझे इसके साथ, मुझे भी नहीं रहना, नहीं रहना बिल्कुल भी नहीं रहना, नहीं रहना ना। हाँ भाई, ये डिसीजन तूने पहले ले लिया होता ना, पहले क्यों नहीं लिया? पहले भी तो ले चुका था, पर क्या करूँ, मजबूर। अपनी माँ से बात करता ना पहले। अब तो इसकी माँ को पता लग गया ना, अब तो गलत नहीं है इसकी माँ की नजर में। नहीं, मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ, रहना नहीं चाहता, कुछ भी ना, मर जाऊंगा रहूंगा नहीं। अच्छा सुन, क्या कमी है उसमें? मुझे तो बता, मुझमें सारी कमी है, इसमें सारी कमी दिख रही है, तुम्हें नहीं दिख रही तो तुम रख लो, मैं नहीं रहूंगा बिल्कुल भी। तुम खुद डिवोर्स दो फिर, ठीक है? इतना वो मत करो। ओए एक काम कर, तुझे नहीं रहना अभी, तू निकल, मान के दोनों को समझा दूंगा, ठीक है? चल मम्मी, नहीं रहेगी ये मम्मी तेरी, अभी यहीं रहेगी, चल तू जा। क्यों रहेगी? आ जाओ मैं तेरे साथ, आ जाएगी अभी, रख ले अपनी बेटी, इसको रख ले अपने साथ ही, रख ले। क्या करूं मैं तेरे साथ, निकल यहां से, बैठ इधर बहन। क्या करना है तुम्हें? मैं मुझे तलाक देना, मुझे उसके साथ नहीं रहना। तलाक चाहिए? हां तो एक काम करो, अपना ना पेपर तैयार करो, वहाँ कैमरे में सारी चीज़ रिकॉर्ड कर ली, ठीक है? लड़का दिखा देना, साहब दिखा देना, हाँ ये बैलेंस करता, सारी चीज़ करता, ठीक है? और ये अपना बेटा प्रूफ दिखा दो उसे कम। नहीं मम्मी नहीं, थोड़ा सा तो मौका दो उसे कम से कम, मुझे रहना ही नहीं उसके साथ। कुछ करने का कुछ तो मौका दो बेटा उसे, बहुत हो गया, बहुत मौका दे दिया 1.5 साल से। यही बात तो मुझे पहले भी तो बता सकती थी। आपको पता था ना, आपको मैंने बताया था ना, वो मेरे साथ ऐसे करता है, लेकिन आपने भरोसा नहीं किया। तो मेरे सामने तो कभी हुआ ही नहीं ना, मैंने तो आज देखा है ना, आज देख मुझे तो पता ही नहीं था मेरा बेटा ऐसे करता है। 1.5 साल से ये ऐसे ही कर रहा है मेरे साथ। कहाँ से रह लेगी ये बताओ ना आप, आपका बेटा ही नहीं मान रहा। 1.5 साल से मैं ही एडजस्ट करती हूँ क्या? आप कुछ मत करो, डिवोर्स देना, डिवोर्स देना ना। आप ये मेरे से क्लिप लेना, पेपर जाके तैयार कराओ, ठीक है? ठीक है। साइन उसका, वो साइन क्या, वो तो साइन करने को तो तैयार ही, तुम करो साइन अपना, यहाँ से जाओ, ठीक है? ठीक है, क्योंकि इसके चक्कर में मत रहो ना, दिक्कत आ जाएगी। ओह माय गॉड। और अभी आप दोनों अपने घर जाओ, अगर घर में अगर कुछ बात होती है तो कर लेना, नहीं तो आपके पास नंबर है ना, वो दे देना, और मेरा माइक और दे दो एक बार। हाँ ठीक है। और सारी चीज रिकॉर्ड भी आंटी, ठीक है? नहीं मैं समझ रही हूँ, देखो वो मेरे कोई बेटी नहीं है तो मैं बेटी का दुख नहीं समझती। हाँ मैं सब कुछ समझती हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो कोई बात नहीं, ठीक है? आप जाओ, ठीक है? चलो मैं देखती हूँ, अगर कुछ होता है तो ठीक है, मैं बताती हूँ।